हेलो प्यारे बच्चों, तो आ गए हैं जी हम एक नई वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर हमने 14 पहले कर लिए थे और 14 नंबर क्वेश्चन था जो पार्ट नंबर 5 में था। पार्ट नंबर 6 बहुत छोटे छोटे वीडियो कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप आराम से सीख सको। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन आपने 12th में बहुत किए हैं। साइन इनवर्स, तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स होता, देन एक्स लाइज बिटवीन -1 और 1 होता है, तो क्या हुआ, आप ये आ गया तो ये भी लाइज बिटवीन -1 और 1 होएगा, ठीक है। 5 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ से 5 कट जाएगा, यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। सो एक्स लाइज बिटवीन तो ऐसा बनेगा, और जो आपकी ब्रैकेट है वो आपकी क्लोज्ड होएगी, ठीक है। सो क्या ऑप्शन आ गई, ऑप्शन नंबर बी आ गई आपकी, ठीक है। तो आपको बेसिक स्टेप समझ आ गया, बेसिकली बेसिक स्टेप की ही नीड थी। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, बिल्कुल वैसा ही फंक्शन है, बट इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी ये है कि ऐसा आ गया, तो अगर ये आपके पास आ जाए तो इट लाइज बिटवीन -1 और 1, इसको थोड़ा डिफिकल्ट है सॉल्व करना। अगर x लेस देन l हो, देन x लाइज बिटवीन -l और l होता है। हमारे पास ये है तो इसको हम बंद करके भी तो लिख सकते हैं, x² + 1/2x < 1। मॉडुलस में ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा इजी सॉल्व हो जाएगी। अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बन गया आपका x² + 1 < 2x, क्योंकि मॉड है तो क्रॉस करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने मॉड कर दिया, ठीक है जी। x² + 1 का मॉड और x² का मॉड, ये दोनों सेम चीज है, तो दोनों सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं की हमको, ठीक है जी। तो इसको हमने यहाँ पे स्केयर लिख लिया, मॉड स्केयर -2x लिख लिया, +1 लिख लिया, < 0 लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली इट इज x mod -1 whole square < 0, वो तो पॉसिबल हो, a² + b² - 2ab। सो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऐसी पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू है। तो इसका मतलब है इन दोनों में से जो कॉमन होगा दैट इज ऑलवेज ट्रू, इट मीन्स x mod -1 = 0, x mod = 1 एंड x = ±1, ठीक है। रूल याद रखना, अगर x के पास l हो, x = ये ±l होता है, इट मीन्स +l - l, तो आपका जो आंसर होएगा, आंसर आ जाएगा ±, ये सेट वाली ब्रैकेट है जी, ये वाला आपका आंसर है, और ये सेट वाली ब्रैकेट है, इंटरवल वाली नहीं, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। तीसरे क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी। डोमेन ऑफ द फंक्शन है तो इट मीन्स जो आपका log 2x होगा वो लाइज बिटवीन -1 और 1, और तीनों क्वेश्चन में बेसिक फंडा सेम पकड़ा है। इस क्वेश्चन में इजी थी वैल्यू, थोड़ी क्रॉस करने पे बन गई, इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ गई, अदरवाइज केसेस डिस्कस करते तो यहाँ पे अब बेस क्या है, ये 2 है, तो डेफिनेशन लगेगी x lies between 2⁻⁻¹ सो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x lies between 2, आप जो ये यहाँ पे a होता तो a की पावर रेज होती, लॉग हटाने पे e होता तो e की, कुछ ना होता तब भी e की लेते, सो -1/2। सो ये बन गया 1/2 से लेके 2 तक, सो 1/2 से लेके 2 तक, तो ऑप्शन क्या बनी, 1/2 से 2 क्लोज्ड है, सो ये आपकी ऑप्शन बन गई। सो इजी है जी, सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं जी पार्ट नंबर 6 में। सो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन पहले जेई में आया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। साइन की वैल्यू ऐसे होती है ना, लाइज बिटवीन दिस एंड दिस,
तो साइन इनवर्स इज द एंगल, तो ये एंगल इसमें लाई करता है, तो ये अपनी मैक्सिमम 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 वैल्यू लेगा तभी जाके 3/2। अब वो इसने कम ले लीजिए, ज़्यादा तो ले नहीं सकता, इट मीन्स ये वैल्यू सेम होगी। ये कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। सो अगर ये वैल्यू होगी, इट मीन्स आप ऐसे सोचोगे कि साइन इनवर्स एक्स है, हमने पाई बाई टू ले लिया, तो एक्स इज इक्वल टू वन, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू हो जाएगा, और साइन पाई बाई टू में सिमिलरली वाई भी बन आ जाएगा, जेड भी बन आ जाएगा। यहाँ पे आप डालोगे वन प्लस वन, पावर कोई मैटर नहीं करती, नीचे लगाओगे वन प्लस वन प्लस वन, सो ये थ्री बन जाएगा, ये नाइन डिवाइडेड बाय थ्री बन जाएगा, थ्री माइनस थ्री, आंसर इज जीरो। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जी, इसमें से पेपर आराम से आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स। अभी आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, ख्याल क्या रखना है, ठीक है, ये तो इजी ऐसे नहीं कटता, ठीक है, कटना तो इनवर्स में होता है, पर ये इनवर्स कटने का थोड़ा सा तरीका ध्यान से रखना है। अगर आपका मन, अगर आपको ये मिला तो आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, अगर कॉस लिखा तो साइन चेंज करना है, क्योंकि जो साइन एक्स होता है ना, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में दोनों तरफ आप साइन की वैल्यू लोगे तो इनवर्स कट जाएगा, तो सिनारियो ये वाला बन जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा, तो जी ये इधर चला जाएगा ग्रेटर देन 2x माइनस 1, सो 2x माइनस 1 इज लेस देन 0, 2x इज लेस देन 1 एंड x इज लेस देन 1/2, सो x की वैल्यू जो 1/2, ठीक है, सो x की वैल्यू 1/2। अब बोलो, आप बोलोगे कि 1 बाय माइनस इनफिनिटी से 1/2 नहीं, क्योंकि माइनस 1 से 1 तो वैसे x लाई करता है, ठीक है ना, तो ये वाला x है आपके पास, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो वैल्यू ग्रेटर देन होगी ना वो माइनस होगी, और मतलब वी कैन राइट कि x ग्रेटर देन माइनस 1/2 एंड लेस देन 1/2। ये वैल्यू क्वेश्चन में से नहीं आई, हमने देखा है डोमेन में से, तो इस ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ट्रू है, सो माइनस 1 से 1/2 ये वाली ऑप्शन ट्रू है, ठीक है जी। सो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है। जेई आपका नज़दीक है, पर जेई के बाद वीटी होगा, बिट सेट होगा, उसके लिए ये बहुत यूजफुल वीडियो है, ठीक है जी। सो शेयर भी कर देना, थैंक यू।